पत्नी कोई और राधा किशन। अब राधा कौन है भैया? प्रेमिका। तो क्या आप चाहोगे कि आपकी बेटी, आपकी बहू किसी की प्रेमिका बने? जब आप नहीं चाहते, नहीं कर सकते, तो आप उस कृष्ण को मानते कैसे हो? क्या आप चाहोगे कि आपकी बेटी को शादी करके भेजे और आपकी बेटी को जो है उसका पति आग में चला के मारने की षड्यंत्र पूरा करे, सिस्टम करे, पब्लिकली करे? क्या चाहोगे आपकी बेटी ऐसी कर दिया? जब आप चाहोगे ही नहीं, तो जिस व्यक्ति ने सीता को, अपनी पत्नी को आग में जला के अग्नि परीक्षा के नाम किया, हम उसको क्यों मानते भाई? महिला ही, मैं समझता हूँ हमारी बहनें बहुत बैठी हैं, बड़ा मत मानना। मैं भारत की महिलाओं को जितना ये मानता हूँ, एहसान फरमोश है, इतना शायद कोई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिन रात उनके लिए किया, बाबा साहब को नहीं मानेंगी जिन्होंने ये कहा कि भाई महिलाओं को तो कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को ये नहीं है, उनकी हम पूजा करते हैं। यही तो ये किताब समाती है। इन चीज़ों पर ही हमें गौर करना चाहिए, महिलाओं को ये बताना चाहिए, बेरोजगार को बताना चाहिए। भाई बाबा साहब अम्बेडकर रहते हैं ना, कि धरती का लिखा है इसमें, धरती का मतलब जो भी किसानी जमीन है, उस जमीन का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राज्य की संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। आज राष्ट्रीय संपत्ति को व्यक्ति की संपत्ति बनाया जा रहा है, और हम जाति धर्म के नाम पर शांत होकर बैठ जाते हैं, तो निसंदेह हम मानवता के साथ नुकसान कर रहे हैं, हम गद्दारी कर रहे हैं। मैं युवाओं को खासतौर से इस बारे में कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने यही तो कहा था। तो हम जिस वर्ग से बात कर रहे हैं, हमारी पुरानी पीढ़ी शायद इस वर्ग को इस तरह से बात नहीं करती थी। दलितों की मसीहा, दलितों के लिए क्या, देश में अत्याचार हो तो उनके लिए क्या, भैया मुझे क्या लेना ना, अत्याचार तेरे बात लड़, मैं क्या ही को लड़ूं। तो इन मुद्दों पर मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जैसी मर्जी भाषा में लिखें, हमारे संत महात्माओं को भी बड़े ये दिखा दिया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, निकाल दिया सोने का कड़ा निकाल दिया, दुर्बल नाथ जी महाराज ने मरे को जिंदा कर दिया, उसकी आंखें वो कर दी। अरे भाई चमत्कार दिखाने में तुम अपने संतों की बातों को आगे बढ़ाओगे तो भैया उनकी यहाँ तो सूरज को फल समझ के मुंह में भी खा लेते हैं, उनके सामने कैसे टिक पाओगे? तो उसकी नहीं जरूरत है। कबीर दास ने देश को क्या दिया? मानवता की बात दी। दुर्बलनाथ का भी महोत्सव जयंती आने वाले 6 तारीख को, दुर्बलनाथ जी ने ओम सोम का बोध कहा कि सांसों के अंदर तेरा सब कुछ है, अपने में अपने को कर। यही तो गौतम बुद्ध का था। हम इस चीज को मानने की बजाय बम 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 नशे नशड़ी शिव की मूर्ति लेके अपने वो लाएंगे, बड़े बड़े पंडाल लगाएंगे, लाखों रुपये खर्च करेंगे। अरे भैया इतने की लाइब्रेरी को ना बना के दें। हालांकि शोभा यात्रा तो मैंने ही शुरू की थी, पर मकसद मेरा ये था कि उसके अंदर रविदास की विचारधारा, उसके अंदर कबीरदास की विचारधारा, उसके अंदर गुरु नानक की विचारधारा, उसके अंदर दादू की विचारधारा, इनकी विचारधारा को समझाया जाए कि मानवतावादी बन के ही कैसे विकास हो सकता है। हमें वो भी करने की जरूरत है, उस क्षेत्र में जाकर उनके वास्तविक कामों को लोगों को समझाने की जरूरत है। वो इस प्रकार की किताबें कर सकती हैं। अगला विषय मेरा इसी पर ही है, तो इस साल की जो किताब है इसी विषय के ऊपर है कि हमने इनको भी गलत तरीके से पेश किया है, उनको सही परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाए। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, वही देश के अंदर बना सोने की चिड़िया बहती थी, ये करते थे। तो अक्सर यही बात कहता हूँ, भैया देश के अंदर सोने की चिड़िया, देश था दूध घी की नदियाँ बहती थी, ब्राह्मण क्या करता है? और शिक्षा शिक्षा था, मैं बिल्कुल नहीं शिक्षा देता। डॉक्टर थोड़ी नहीं बनाता किसी को, इंजीनियर थोड़ी बनाता है, टेक्नोक्रेट थोड़ी बनाता है। वो तो कहता राम राम जपना पराया माल अपना। जितनी भी सेवा का काम है, मैंने यहाँ इसमें लिखा भी कि एक जगह, जितना भी सेवा का काम है, जितना भी उत्पादन का काम है, वो सारा काम तो शूद्र करता है। तो इस देश को बनाने वाला शूद्र और खाने वाले हराम को ये जमाना कब तक चलेगा? इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बड़ा है।